गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी कर हथियार के साथ कुख्यात शराब माफिया मुकुल यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब माफिया के पास से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। ये कार्रवाई उचका गांव थाने की पुलिस ने राजापुर गांव में किया है। हथुआ SDPO आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि राजापुर गांव में भगवन टोला निवासी कुख्यात शराब माफिया मुकुल यादव पहुंचा है। हथियार के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। उचका गांव थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर के नेतृत्व में टीम गठित कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शराब माफिया पर 7 आपराधिक मामले विभिन्न स्थानों में दर्ज हैं। आज सूचना मिली थी कि राजापुर उचका गांव थाना अंतर्गत राजापुर एक गांव है, वहां पे एक अपराधी कुछ अपराध कार्य करने के लिए आया गया था। हम लोग को जो गुप्तक द्वारा सूचना दी गई थी उसमें बताया कि ये मुकुल यादव है और कुछ अपराध करने के लिए आए हैं। इस सूचना के सत्यापन के लिए हमारी थाना की टीम गई थी और उसे पकड़ के लाया गया। उसके पास से एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ये एक बहुत ही खतरनाक एवं वांछित अपराधी हैं। हमारे थाना के उचका गांव थाना के 4 केसों में ये वांछित थे एवं एक गोपालपुर थाना के भी एक कांड में ये वांछित हैं। इनके ऊपर शराब की तस्करी एवं आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज थे। हमारे उचका गांव की पुलिस टीम के द्वारा इसके संबंध में बहुत तत्परता से काम किया गया और इसकी गिरफ्तारी में इनकी भूमिका बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रही और सराहनीय रही है। मैं थानाध्यक्ष उचका गांव प्रवीण कुमार प्रभाकर एवं उनके टीम शमशाद राजा, स्वीटी कुमारी, मुकेश कुमार सिंह, मंसूर आलम एवं विपेंद्र कुमार शामिल थे। गोपालगंज से नमो नारायण मिश्रा की रिपोर्ट, IND 365।